नमस्कार, मेरा नाम जयेश कुमार शर्मा है और मैं आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज के सत्र का विषय है वेब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। वेब प्रोजेक्ट्स को किस तरह से डेवलप किया जाए, उसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए और लर्निंग आउटकम जो हैं वो हैं कंपेरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट एंड वेब प्रोजेक्ट्स। वेब डेवलपमेंट की स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होनी चाहिए, वेब डेवलपमेंट टीम के हम टीम मेंबर कौन कौन से होते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, प्लानिंग और प्रोसेस डेवलपमेंट क्या है, एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं और फाइनली टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। तो इन सारे पॉइंट्स पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट और वेब प्रोजेक्ट में अंतर क्या होता है। ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट का मतलब होता है जो पुराने एप्लीकेशन चला करते थे, जो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन थे, जिनको इंस्टॉल हम लोग एक सिस्टम पे करते थे और दूसरे सिस्टम पे इस्तेमाल करने के लिए हमें फिर से दूसरे सिस्टम पे उनको इंस्टॉल करना पड़ता था, उसको हम कहते थे ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट। जबकि वेब प्रोजेक्ट के केस में ऐसा नहीं है। वेब प्रोजेक्ट के केस में हम लोग एक बार वेब पेज को जब सर्वर पर डाल देते हैं या वेबसाइट को सर्वर पर डाल देते हैं, तो उसके बाद यूआरएल की मदद से उस एप्लीकेशन को या उस पेज को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट और वेब प्रोजेक्ट में यही होता है, दोनों का इंस्टॉलेशन का तरीका अलग अलग होता है। ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट में हम लोग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, यानी जितने सिस्टम पर मुझे उस प्रोजेक्ट को यूज़ करना है उन सभी सिस्टम्स पर मुझे उसका इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। जबकि वेब प्रोजेक्ट के केस में मुझे एक वेब सर्वर पर या एक सेंट्रलाइज सर्वर पर अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और यूआरएल की मदद से और नेटवर्क के माध्यम से मैं उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता हूँ। जब उसका इंस्टॉलेशन का तरीका अलग अलग है, जाहिर है कि उसका मेंटेनेंस का और उसका अपडेट का तरीका भी अलग अलग होगा। डेस्कटॉप सिस्टम्स यानी कि ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट के अंदर मेंटेनेंस की कॉस्ट कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका कारण यह है कि जितनी ज़्यादा जगह पे वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा यानी चल रहा होगा, उतनी ही जगह मुझे मेंटेनेंस करना पड़ेगा। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का चेंज अगर कोई सॉफ्टवेयर में या एप्लीकेशन में आ रहा है तो मुझे दोबारा से इंस्टॉलेशन एप्लीकेशन का करना पड़ेगा। वो चेंज किसी एरर की वजह से आ सकता है, टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से आ सकता है, या क्लाइंट किसी नई फंक्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट दे सकता है, उसकी डिमांड कर सकता है, उसकी वजह से वो मेंटेनेंस रिक्वेस्ट आ सकती है। जैसे ही मेरा प्रोग्राम या एप्लीकेशन मेंटेनेंस में जाता है, मेरे पास एक नया डिलीवरेबल होता है, नया एग्जीक्यूटेबल होता है, जो मुझे उन सारी जगह इंस्टॉल करना पड़ेगा जहाँ जहाँ मेरा एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल था, तभी मेरा यूज़र उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन अगर हम वेब प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो यही मेंटेनेंस का काम हमारे लिए बहुत कम हो जाता है। उसका कारण यह है कि वेब प्रोजेक्ट के केस में हमारा इंस्टॉलेशन सिर्फ एक जगह पर है, सेंट्रलाइज वेब सर्वर पर है। वो वेब सर्वर हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है, वो किसी आईएसपी के पास हो सकता है, होस्टिंग कंपनी के पास हो सकता है, या किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास भी हो सकता है। तो जो भी मेरा मेंटेनेंस के बाद कोड आएगा या अपडेट आएगा, वो अपडेट मुझे एक ही जगह डालना होगा और एक ही जगह से सब क्लाइंट्स के पास वो चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उनको दिखाई दे जाएगा। तो जाहिर है कि जब मेरे पास मेंटेनेंस के एफर्ट्स कम हैं वेब प्रोजेक्ट में, तो मेंटेनेंस से संबंधित कॉस्ट भी कम होगी, यानी मुझे कम पैसा मेंटेनेंस में खर्च करना पड़ेगा। जबकि ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट के अंदर मुझे कई जगह पर इंस्टॉलेशन करना है, जाहिर है मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि मेंटेनेंस करने के लिए मुझे काफ़ी स्टाफ की ज़रूरत होगी। अगला पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी, यानी जो एप्लीकेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको मैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी में एक सॉफ्टवेयर चल रहा है जो यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर्स में ही इंस्टॉल्ड है, तो जाहिर सी बात है कि उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी का स्टाफ सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही कर सकता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम वेब प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जो कि किसी क्लाउड सर्वर पर या आईएसपी के सर्वर पर होस्टेड है, तो हम उसको दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हैं। तो वेब प्रोजेक्ट और ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट में डिफरेंस है एक्सेसिबिलिटी का। वेब प्रोजेक्ट्स को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, जबकि ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स का जो दायरा है एक्सेस करने का वो कई बार लिमिटेड हो जाता है। इसके बाद पॉइंट आता है 24x7 अवेलेबिलिटी। जब हम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, जैसा कि मैंने भी उदाहरण दिया था, आपके यूनिवर्सिटी कैंपस में सिस्टम्स के ऊपर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, तो उस केस में जैसे ही 5 बजे यूनिवर्सिटी बंद होगी, वो सिस्टम की एक्सेस या उस एप्लीकेशन की एक्सेस भी बंद हो जाएगी। जैसे ही सिस्टम चालू होगा तभी आप उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन वेब प्रोजेक्ट्स के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि वेब प्रोजेक्ट्स आपके सर्वर पर होस्टेड है जो कि 24x7 रन होते हैं। 24x7 का मतलब है 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन। तो आप किसी भी टाइम किसी भी जगह से उस कंटेंट को या उस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद इजी टू चेंज, अगला जो अंतर है वो इजी टू चेंज है। इजी टू चेंज का मतलब है
क्योंकि हमारे वेब प्रोजेक्ट्स जनरली कास्केडेड स्टाइल शीट पर आधारित होते हैं, आपने कास्केडेड स्टाइल शीट पढ़ा था पुराने सत्रों में, तो अगर मुझे कोई लुक एंड फील के अंदर चेंज करना है तो सिर्फ CSS के अंदर चेंज करके मैं लुक एंड फील किसी भी वेब प्रोजेक्ट का चेंज कर सकता हूँ, जबकि ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐसा नहीं है। मुझे सोर्स कोड में जाके उसको चेंज करना होगा और फिर से मुझे सब जगह इंस्टॉलेशन करना होगा, जबकि वेब प्रोजेक्ट के केस में ऐसा नहीं होगा, सिर्फ CSS में मुझे चेंज करना है और अपडेटेड CSS मुझे वेब सर्वर पर डालना है जो कि अपने आप सारे यूजर्स के पास रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगला अंतर आता है लोड मैनेजमेंट का। लोड मैनेजमेंट का मतलब है कि कितने लोग एक साथ किसी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सुविधा होती है वेब एप्लीकेशंस के अंदर कि वहाँ पर हमारा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर या जो हमारा सर्वर है वो ऑटोमेटिकली लोड मैनेज करता है और उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि अगर हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन या ट्रेडिशनल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें लोड मैनेजमेंट खुद करना होगा। अगला अंतर है शेड्यूलिंग, सिक्योरिटी, कैशिंग और भी तरह के कई ऐसी सर्विसेज जो सर्वर पर हमें चाहिए होती हैं। एज ए प्रोग्रामर, अगर मैं एक प्रोग्रामर हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि इन सारी चीज़ों की मुझे जानकारी हो, और ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स के केस में ये सारी चीज़ें मुझे खुद करनी होंगी, जबकि वेब एप्लीकेशंस के केस में, वेब प्रोजेक्ट्स के केस में मेरी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी या मेरा ISP ये सारी चीज़ें मेरे लिए मुझे करके देगा, तो मुझे इनके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो इन अंतर के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि आज के युग में ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट खत्म होते जा रहे हैं और उनकी जगह वेब प्रोजेक्ट्स लेते जा रहे हैं, क्योंकि वेब प्रोजेक्ट्स में हमारे पास इंस्टॉलेशन से संबंधित परेशानी नहीं है, कम मेंटेनेंस है, कम मेंटेनेंस स्टाफ की ज़रूरत है और उसी के साथ साथ मेरी कॉस्टिंग भी कम है, एक्सेसिबिलिटी हर जगह से है, अवेलेबिलिटी 24x7 है, उनको चेंज करना आसान है, लोड मैनेजमेंट और अन्य इश्यूज जो भी हैं वो मेरी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी मुझे अपने आप प्रोवाइड कर रही है, मुझे उनके बारे में सोचना नहीं है। अब हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ की। वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ का मतलब है वो स्ट्रेटजीज़ जो एक वेब प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए हमें चाहिए। तो इसमें जो मुख्य फेजेस हैं वो है स्ट्रेटजी, डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन, प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट यानी कि जो रिजल्ट हमें चाहिए उनको कैसे प्रोड्यूस करें, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, देन रजिस्टर विद ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड लॉन्च दैट इज़ गो लाइव। तो इनको हम एक एक करके देखते हैं कि ये पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट आता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब है कि जो भी वेब प्रोजेक्ट के अंदर हम काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्लियर कट स्ट्रेटजी बनानी होगी। स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमें चार चीज़ों पर ध्यान देना होता है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, टीम बिल्डिंग, रिसर्च एंड रिव्यू और प्रोजेक्ट प्रपोजल। इनको एक एक करके देखते हैं कि ये क्या है। गोल्स और ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि प्रोजेक्ट के ऊपर जब हम काम कर रहे हैं तो हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, हमें क्या करना है और क्या अचीव करना है ये हमें शुरू से ही पता होना चाहिए। एक बार हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव जब फाइनल हो जाते हैं तो उसके बाद हमें एक सूटेबल टीम बिल्ड करनी होती है, यानी अपना टीम इकट्ठा करना होता है। वो टीम इकट्ठी करने के लिए प्रोजेक्ट्स के हिसाब से हमें एक्सपर्टाइज चाहिए, तो हम लोग एक एक करके लोगों को तैयार करते हैं टीम में। उसके बाद हम लोग रिसर्च एंड रिव्यू कंडक्ट करते हैं। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें कई बार अपने कस्टमर से बातचीत करनी होती है, उनके डेटा को एनालाइज करना होता है, उसको रिव्यू करना होता है और उसके बाद हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस गोल और ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव करेंगे। और जब हम एक बार रिसर्च और रिव्यू कर लेते हैं डेटा का और उनसे डिस्कशन कर लेते हैं तो उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करते हैं और उस प्रोजेक्ट प्रपोजल को हम क्लाइंट के पास रिव्यू के लिए भेजते हैं। एक बार जब क्लाइंट उस प्रपोजल को पास कर देता है, अप्रूव कर देता है, तब हम अपने प्रोजेक्ट पर काम आगे स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट है डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन। डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन में हम बात करते हैं जो वेब प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उसका स्पेसिफिकेशन कैसा होना चाहिए। तो वहाँ पर हमारे पास चार पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट है डेवलपिंग कॉन्सेप्ट, कंटेंट प्लानिंग, रफ डिज़ाइन और फाइनल डिज़ाइन। सबसे पहला पॉइंट है डेवलपिंग कॉन्सेप्ट। जब भी हम क्लाइंट से कोई चर्चा करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में तो क्लाइंट के पॉइंट्स को रिव्यू करने के बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद हमें क्लाइंट को बताना होता है कि उसके वेब एप्लीकेशन का डिज़ाइन किस तरह का होगा या वो एप्लीकेशन किस तरह से काम करेगा। तो काम शुरू करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करना होता है, डेवलप करना होता है और उस कॉन्सेप्ट को हमें क्लाइंट को दिखाना होता है। क्लाइंट उस कॉन्सेप्ट को रिव्यू करता है, उस पर अपना फीडबैक देता है और फीडबैक देने के बाद हमें ज़रूरत हो तो उसके अंदर चेंजेस भी करने पड़ते हैं। एक बार जब वो कॉन्सेप्ट अप्रूव हो जाता है तब हम उसके बाद अपना काम आगे प्रोजेक्ट में शुरू कर सकते हैं। एक बार हमारा कॉन्सेप्ट अप्रूव हो गया उसके बाद उस कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए मुझे वेब प्रोजेक्ट में कंटेंट्स भी चाहिए। कंटेंट क्या होते हैं?
मान लीजिए मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ, तो वेबसाइट के अंदर आपने देखा होगा अबाउट अस, स्टाफ, पॉलिसीज, सर्विसेज, तो इन सारे पेजेस के लिए मुझे कंटेंट चाहिए। अबाउट अस पेज के अंदर मुझे कंपनी का डेटा चाहिए, कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए कि कंपनी क्या करती है, सर्विसेज कौन कौन सी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो इनको हम कहते हैं कंटेंट्स। तो एक बार जब हमारा कॉन्सेप्ट अप्रूव हो गया तो हमें कंटेंट्स कौन कौन से चाहिए इसके लिए हमें प्लान करना होता है, और हम क्लाइंट से वो सारे कंटेंट्स इकट्ठा करते हैं। उन कंटेंट्स को इकट्ठा करने के बाद और अप्रूव कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग एक रफ डिज़ाइन बनाते हैं और उस रफ डिज़ाइन को वापस क्लाइंट के पास भेजते हैं। जब क्लाइंट उस रफ डिज़ाइन को पास कर देता है तो हमारा डिज़ाइन फाइनलाइज होता है और उस फाइनलाइज डिज़ाइन के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तीसरा पॉइंट है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। एक बार जब हमारा डिज़ाइन फाइनल हो जाता है, क्लाइंट से अप्रूव हो जाता है, हमारी डेवलपमेंट टीम उस पर काम करती है, डेवलपमेंट टीम काम करने के बाद प्रोडक्ट को रेडी करती है, और प्रोडक्ट को रेडी करने के बाद हमारा प्रोडक्ट या वेब प्रोजेक्ट टेस्टिंग फेज में आता है। टेस्टिंग फेज में टेस्टर्स का काम होता है उस कोड को चेक करना। चेक करने के लिए हमारे पास दो क्राइटेरिया होते हैं। पहला होता है कि कोड क्लाइंट की दी हुई रिक्वायरमेंट के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है। दूसरा, उस प्रोजेक्ट के अंदर कहीं कोई एरर तो नहीं है। अगर दोनों में से कोई भी एक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो उस केस में मॉडिफिकेशन करना होता है, और कोड तब तक अप्रूव नहीं होता जब तक कि सारे मॉडिफिकेशंस नहीं हो जाते या जब तक कि टेस्टिंग टीम उसे ओके नहीं कर देती। एक बार जब हमारा कोड टेस्टिंग से पास हो जाता है, उसके बाद हमें बहुत सारे पैरामीटर अपने वेब सर्वर पर एस्टैब्लिश करने होते हैं, तो उसके लिए हमें अपने वेब सर्वर को मेंटेन करना पड़ता है। वेब सर्वर मेंटेन करने के बाद हम लोग ISP या किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को कॉन्टैक्ट करते हैं, अपना डोमेन नेम रजिस्टर कराते हैं। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम की मदद से हम लोग अपने एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे। तो अपना डोमेन नेम हम रजिस्टर कराते हैं किसी ISP की मदद से, और एक वेब स्पेस परचेज करते हैं। वेब स्पेस मीन्स एक स्पेस किसी ऑनलाइन सर्वर पर जिसमें हम अपनी सारे वेब कंटेंट्स को रखेंगे, वेब प्रोजेक्ट को रखेंगे या इंस्टॉल करेंगे, और उसी जगह से सारे यूज़र उस साइट को व्यू कर पाएंगे। तो ये वेब स्पेस हमें कहाँ लेना चाहिए? वेब स्पेस हम किसी ISP से ले सकते हैं, वेब स्पेस हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से भी ले सकते हैं, और अगर आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वेब स्पेस मैनेज करना है तो आपको वेब स्पेस की ज़रूरत नहीं है। आप उस केस में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक सर्वर रख के उसी के ऊपर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। एक बार जब एप्लीकेशन टेस्ट हो गया, आपने वेब सर्वर मेंटेन कर लिया, डोमेन नेम ले लिया, वेब स्पेस ले लिया, वेब स्पेस के ऊपर इंस्टॉलेशन कर लिया, तो आपका प्रोजेक्ट रिलीज होने के लिए तैयार है। तो उसके लिए हम अपने डोमेन नेम को वेब सर्वर से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद वेबसाइट को होस्ट कर देते हैं। वेबसाइट होस्ट करने के बाद फाइनली हमारा प्रोडक्ट गो लाइव के लिए तैयार हो जाता है और उसको हम लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने के बाद वो वेब प्रोजेक्ट किसी भी लोकेशन से 24x7 हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि एक वेब प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें कौन कौन से टीम मेंबर की ज़रूरत होती है। तो कोर वेब डेवलपमेंट टीम के अंदर हमारा सबसे पहला नंबर आता है प्रोजेक्ट मैनेजर का, जिसका काम होता है काम असाइन करना अपने बाकी टीम मेंबर्स को, प्रोजेक्ट को शेड्यूल करना यानी कि प्रोजेक्ट कब शुरू होगा और कब ख़त्म होगा, ये सारी शेड्यूलिंग प्रोजेक्ट मैनेजर को करनी होती है। दूसरा नंबर आता है टेक्निकल लीड का। टेक्निकल लीड का काम होता है प्रोग्रामर्स को मैनेज करना, क्योंकि कई प्रोग्रामर्स हमें वेब प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, उन सारे प्रोग्रामर्स को मैनेज करने का काम टेक्निकल लीड का होता है। इसके अलावा वो अपनी एक स्पेशलाइज टीम भी बनाता है, जैसे कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की, डेटाबेस एक्सपर्ट्स की, जो कि प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग या प्रोजेक्ट के अनुसार ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारे काम टेक्निकल लीड करता है। इसके बाद नंबर आता है वेब प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट का, जो पूरी साइट को इंटीग्रेट करता है HTML और JavaScript के माध्यम से। चौथे नंबर पर है क्रिएटिव लीड, जो क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स को डिज़ाइन करता है साइट के लिए और पूरी साइट की डिज़ाइन के लिए जिम्मेदार होता है। जो लुक एंड फील वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन का हमें दिखाई देता है वो क्रिएटिव लीड की जिम्मेदारी होती है। पांचवा नंबर आता है क्वालिटी एश्योरेंस लीड का, जो ये इंश्योर करता है कि पूरे एप्लीकेशन के अंदर कहीं प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और क्वालिटी पैरामीटर को फॉलो करते हुए ये सारा प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसके अलावा कुछ और टीम मेंबर्स भी हमें चाहिए होते हैं वेब एप्लीकेशन टीम में, जिसमें अकाउंट मैनेजर शामिल है। अकाउंट मैनेजर का काम है क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करना, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ इंटरेक्ट करना और क्रिएटिव लीड के साथ इंटरेक्ट करना। बेसिकली अकाउंट मैनेजर एक ब्रिज की तरह काम करता है क्लाइंट और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जिससे कि क्लाइंट और टीम के बीच में कम्युनिकेशन गैप ना क्रिएट हो। इसके बाद अदर टीम मेंबर्स में नंबर आता है प्रोग्रामर्स का, जो कि प्रोग्रामिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोग्रामर्स
अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलाइज हो सकते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं नेटवर्क इंजीनियर्स, जो कि वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं, वेब सर्वर को मैनेज करते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट, जो पूरी साइट का आर्किटेक्चर तैयार करते हैं, जैसे कि किस रिक्वायरमेंट के लिए हमें कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत होगी आइडेंटिफाई करते हैं, और प्रोग्रामर उसके हिसाब से काम करते हैं। पाँचवा नंबर आता है कंटेंट राइटर्स का। कंटेंट राइटर का काम होता है वेब एप्लीकेशन के लिए, वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखना। तो जो कंटेंट क्लाइंट की तरफ से आता है उसको रिव्यू करने के बाद कंटेंट राइटर अपने कंटेंट को फाइनल करते हैं, और उसके बाद वही कंटेंट वेबसाइट पर डाले जाते हैं। कंटेंट राइटर के बाद नंबर आता है टेस्टर का, जो पूरे एप्लीकेशन को या वेब बेस्ड प्रोजेक्ट को टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि वो क्लाइंट की दी हुई रिक्वायरमेंट के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज के साथ साथ पूरे प्रोजेक्ट में हमें कई जगह पर प्लानिंग और प्रोसेस डेवलपमेंट की भी ज़रूरत होती है। प्रोजेक्ट के शुरुआती फेज में प्लानिंग एक महत्वपूर्ण काम है। तो प्लानिंग के अंदर हम लोग क्या क्या करते हैं? सबसे पहली टाइप की प्लानिंग जो होती है उसको हम कहते हैं अर्ली प्लानिंग। अर्ली प्लानिंग का मतलब है बिल्कुल प्रोजेक्ट के शुरू में हमें प्लानिंग करनी है, जिसके अंदर हमें अपनी ऑडियंस को जानना है कि हमारी ऑडियंस कौन सी है। ऑडियंस का मतलब होता है वो यूज़र जो आपके वेब एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे। मान लीजिए अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपका ऑनलाइन रिजल्ट दे रही है, तो उस एप्लीकेशन के लिए जो ऑडियंस है वो स्टूडेंट्स हैं जो अपना रिजल्ट देखेंगे। तो वेब प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले वो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी ऑडियंस कौन सी है जो हमारे वेब पेजेस को व्यू करेगी। इसके अलावा ऑडियंस में आपका एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट भी है, जो कि रिजल्ट को पुट करेगा उस वेब एप्लीकेशन के ऊपर। दूसरा स्टेप आता है अर्ली प्लानिंग में इंटरव्यूइंग। एक बार जब हम अपनी ऑडियंस को पहचान लेते हैं तो उसके बाद हम उनसे इंटरेक्शन करते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू करने के बाद जिस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हम मार्केट एनालिसिस करते हैं, जिसको हम मार्केट रिसर्च कहते हैं। यानी कि इस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में और अवेलेबल तो नहीं है, अगर अवेलेबल है तो हमारा प्रोजेक्ट उनके सामने कहाँ स्टैंड करता है और क्या हम मार्केट में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो इसके लिए हमें फोकस ग्रुप और मार्केट रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। एक बार अगर हम मार्केट रिसर्च कर लेते हैं और ये इंश्योर कर लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमें करना है, तो फिर हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, यानी कि यूज़र से और क्लाइंट से हम उनकी रिक्वायरमेंट लेते हैं और उनको नोट डाउन करते हैं। तो ये चार काम हम लोगों को अर्ली प्लानिंग फेज में करने हैं। इसके बाद दूसरे टाइप की प्लानिंग आती है कंटेंट प्लानिंग। हम लोगों ने अभी देखा था कि वेबसाइट में कंटेंट का रोल इंपॉर्टेंट होता है, और जो कंटेंट राइटर हमें मदद करते हैं कंटेंट लिखने के लिए, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और भी कई तरह के कंटेंट्स होते हैं, तो उसके लिए हमें कंटेंट प्लानिंग की आवश्यकता है। कंटेंट प्लानिंग में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कौन कौन सी इमेजेस किसी एप्लीकेशन में लगानी है। अगर हम एक वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं जहाँ पे इमेजेस हैं ही नहीं, तो वो एक बहुत ही बोरिंग टाइप का एप्लीकेशन होगा। तो हमें इमेजेस आइडेंटिफाई करनी होती हैं कि कौन सी इमेज हमें लगानी है, कौन से लिंक्स हमें वहाँ पर पुटअप करने हैं। इसके अलावा अगर अपने वेब प्रोजेक्ट के अंदर हम ऑडियो और वीडियो डालना चाहते हैं, तो कौन सा ऑडियो और कौन सा वीडियो हम अपने प्रोजेक्ट में डालेंगे, हमें ये भी प्लान करना है। इसके अलावा अगर हम कोई फ्लैश कंटेंट या इसके अलावा और कोई मीडिया फाइल डालना चाहते हैं, तो वो भी हमें अपने प्लानिंग में शामिल करना होगा, और हमें इनिशियल स्टेज पर ही ये सारी चीज़ें इकट्ठा करनी होंगी। कंटेंट प्लानिंग के बाद नंबर आता है टेक्निकल प्लानिंग का। टेक्निकल प्लानिंग के अंदर हम लोग प्लान करते हैं कौन सा डेटाबेस हमें यूज़ करना है, किस टाइप की शॉकवेव मूवीज़ हमें यूज़ करनी है, हमारा ट्रांजेक्शन सिस्टम क्या होगा, कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स हमें यूज़ करनी है। टेक्निकल प्लानिंग के बाद हम लोग प्रोडक्शन प्लानिंग की बात करते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग में फिर से हमें मार्केट रिसर्च परफॉर्म करना है, हमें अपने वेब पेजेस को इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने के बाद उसे कलेक्टिव वेबसाइट का रूप देना है, और कलेक्टिव वेबसाइट का रूप देने के बाद हम किस तरह से उसको अपने सर्वर पर डालेंगे, ये हमें प्लान करना होगा। प्लानिंग के साथ साथ किसी एक वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने में कई चैलेंजेस एक टीम के सामने आते हैं। वो चैलेंजेस क्या क्या हैं वो एक बार हम देखते हैं। सबसे पहला चैलेंज है टू मच कंटेंट, यानी हमारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर बहुत ज़्यादा कंटेंट हमारे पास है और उस सारे कंटेंट को हम वेब पेज के ऊपर डाल रहे हैं, तो आपका वेब पेज बहुत क्राउडेड हो जाएगा। आपको याद होगा एक सत्र में मैंने बात की थी कि हमें अपने वेब पेज को बहुत क्राउडेड नहीं करना है, बल्कि हमें वाइट स्पेस का प्रॉपर यूज़ करना है। तो हमें बहुत सारे कंटेंट में से जो इंपॉर्टेंट कंटेंट हैं, महत्वपूर्ण कंटेंट हैं, उन्हें छांटना होता है, और उसके बाद उन्हीं कंटेंट्स को हमें अपने वेब एप्लीकेशन पर रखना होता है। दूसरा चैलेंज आता है वेब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, एवरी विजिटर इज़ डिफरेंट। हर विजिटर जो आपकी साइट विजिट करता है वो डिफरेंट है, उसकी लाइकिंग डिफरेंट हैं, उसके डिसलाइक डिफरेंट हैं। तो हर विजिटर के हिसाब से हम अपने वेब एप्लीकेशन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपने वेब एप्लीकेशन को ऐसा रखना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर उस एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट को लाइक करें। अगला चैलेंज है कीपिंग कम्युनिकेशन ब्रीफ। जब हम क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उसका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, तो हमारे पास कम्युनिकेशन बहुत लंबा होता है,
उस कम्युनिकेशन को हम छोटा कैसे करें जो कि हमारे लिए यूजफुल हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है वेब डेवलपमेंट टीम के लिए। चौथा चैलेंज है गेनिंग द ट्रस्ट ऑफ विजिटर। जो विजिटर आपके वेब एप्लीकेशन को विजिट कर रहा है उसका ट्रस्ट हम कैसे गेन करें। मान लीजिए कि अगर कोई विजिटर कोई इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा है आपकी साइट पर जाके और आपकी साइट उसके गलत इन्फॉर्मेशन दिखा रही है, तो उस केस में आप विजिटर का ट्रस्ट लूज कर देंगे, खो देंगे। तो हमें एंश्योर करना होता है टेस्टिंग के माध्यम से या क्वालिटी एश्योरेंस के माध्यम से कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम अपनी वेबसाइट के थ्रू दिखा रहे हैं वो सही होनी चाहिए, तभी हम विजिटर का ट्रस्ट जीत सकते हैं, उनका विश्वास जीत सकते हैं। और ये करने के लिए हमें ज़रूरत होती है टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस की। टेस्टिंग में हम इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि जो एप्लीकेशन हमारा काम कर रहा है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही कर रहा है और इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम होगी तो क्लाइंट का या विजिटर का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा और वो आपकी साइट को एक्सेस करना बंद कर देंगे। इस सत्र में हमने देखा कि ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स और वेब प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या अंतर होता है, कई पॉइंट्स के माध्यम से हमने ये अंतर देखा। इसके अलावा हमने देखा कि वेब डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो एक टीम को फॉलो करनी चाहिए। इसके अलावा हमें वेब डेवलपमेंट की टेक्निकल टीम कैसे तैयार करते हैं और कौन कौन उस टीम का पार्ट होते हैं, इस पर हमने चर्चा की। इसके अलावा हमने इस पर भी चर्चा की कि एक वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से संबंधित क्या क्या चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को हम किस तरह से पूरा करते हैं। चैलेंजेस के बाद हम लोगों ने देखा कि प्लानिंग का क्या रोल है वेब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में और टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस किस तरह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं वेब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर। आशा करता हूँ कि ये सत्र आपके लिए लाभदायक रहेंगे और आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।